सो फाइनली दोस्तों ईयर का बिगेस्ट सेल लाइव हो गया है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर, एंड इस सेल के दौरान स्मार्टफोन के ऊपर काफी अच्छे डिस्काउंट भी दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 बेस्ट अल्टीमेट स्मार्टफोन जिसे आप 25,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। जी हाँ, इस रेंज में जो भी सबसे अच्छे एंड वैल्यू फॉर मनी फोन है उन सभी फोन को हमने रख लिया इस वीडियो के अंदर। अभी आपको 30 से 35,000 वाले फोन 25,000 के नीचे ही मिल जाएगा, वो भी बिना किसी डिस्काउंट के। तो ये बहुत ही अच्छा समय है स्मार्टफोन बाय करने के लिए। बाकी मैं आपको इन सभी फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ विद प्रोज एंड कॉन्स। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों हमने इन सभी फोन को रैंक कर दिया है, तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 7 से। एंड नंबर 7 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक लेटेस्ट एंड ऑलराउंडर फोन है अंडर 25 के। जी हाँ, इस फोन का नाम है Vivo T3 Pro 5G या फिर IQ G9 Pro 5G। ये दोनों फोन बिल्कुल सेम है, दोनों में से आपको जो भी सस्ता मिले या फिर जो भी अच्छा लगे उसे आप बाय कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो के अंदर हम T3 Pro 5G के बारे में बात करेंगे, तो चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा, लुक वाइज प्रीमियम है ये फोन। वीगन लेदर के साथ आता है, सिर्फ 7.5 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन रहेगा, एंड 184 ग्राम वेट है, एंड IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा जिसकी आउटपुट अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। और दोस्तों इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 मिलता है बेस्ड ऑन फन टच OS 14। फ्यूचर में 2+3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। वैसे वीवो का खुद का डायलर मिलता है, मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 80W फास्ट चार्जिंग को, तो तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा और हैवी यूज में भी एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस 10 bit वाला AMOLED डिस्प्ले। 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है एंड अप टू 4500 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्व पैनल है तो साइड के बेजल्स वगैरह भी ना के बराबर है। HDR10+ सर्टिफाइड है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है और ये सोनी IMX882 वाला सेंसर है जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 MP की सेल्फी है, इस कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, डेलाइट में तो अच्छे से परफॉर्म कर ही लेता है, इवन लो लाइट फोटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिल जाती है OS होने की वजह से, और वैसे भी वीवो का कैमरा अच्छा ही रहता है। खैर, परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला 5G चिपसेट। अब प्राइस के हिसाब से अच्छा चिपसेट है, 8 लाख से ऊपर अंतुतु स्कोर आता है, साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। ओवरऑल परफॉर्मेंस से भी इशू नहीं होगा, नॉर्मल यूज में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। मीडियम टू हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 8 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो 8128 के लिए 25,000 रुपए है और अभी आपको 2 से 3,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सो विद ऑफर 22,000 के आसपास भी ले सकते हैं इस फोन को। तो प्राइस के हिसाब से देखोगे तो अच्छा पैकेज है, ले सकते हैं, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 6 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये अंडर 25,000 वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है पोको F6 5G। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 28 से 30,000 के बीच में होता है लेकिन अभी आपको ऑफर के साथ 22,000 के नीचे ही मिल जाएगा, एंड इस प्राइस पॉइंट पर वन ऑफ द बेस्ट फोन है ये। चलिए जल्दी से डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहेगा, सिंपल एंड क्लीन डिजाइन मिलता है, ऑल्दो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8 mm की थिकनेस एंड 179 ग्राम वेट है, साथ में ही IP64 की रेटिंग भी दी गई है। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जिसकी आउटपुट अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। वैसे इस फोन में आप 2 सिम लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन HyperOS। फ्यूचर में 3+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा एंड कस्टम डायलर के साथ आता है, मतलब साइलेंटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 90W फास्ट चार्जिंग को, तो तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा एंड बैटरी बैकअप भी अच्छा है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंचेस की 1.5K 12 bit वाला AMOLED डिस्प्ले
जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ आता है एंड अप टू 2400 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही शानदार रहेगा, फ्लेक्सिबल ग्रेड डिस्प्ले ऑफर किया गया है, बाकी HDR 10 प्लस एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत ही इमर्सिव रहेगा। खैर कैमरा की बात करें तो बैक साइड में दो कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का फ्लैगशिप सेंसर है जो कि OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इस कैमरे से फुल HD में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा, मेन कैमरा लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, बाकी प्राइस के हिसाब से कैमरे से आपको ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला 5G चिपसेट। अब 25 से 30,000 के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट है ये। इसका जो अंतुतु स्कोर है वो 1.5 मिलियन के आसपास आता है। इतने नहीं, UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप NLPDDR5X वाला रैम है, तो परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला है। हैवी यूज में भी ये फोन लैग वगैरह नहीं करेगा एंड आराम से लॉन्ग सेशन तक गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे भी ये एक गेमिंग फोन ही है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 15 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.4 वर्जन का सपोर्ट है, ऑल्सो NFC एंड एयर ब्लास्टर भी है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 8256 के लिए लगभग 24,000 रुपए हैं। एडिशनली 1,000 से 2,000 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, सो विद ऑफर 22,000 के आसपास ले सकते हैं इस फोन को एंड इस प्राइस पॉइंट पर इस फोन को आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप गेमिंग लवर है तो। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें अगले स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 5 पर जो हमने फोन रखा है, इस फोन का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और देखा जाए तो ये भी एक ऑलराउंडर एंड बैलेंस पैकेज है। खैर इस फोन का नाम है मोटो एज 50। इस सेल के दौरान ये फोन भी आपको अंडर 25,000 मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कई सारे फ्लेक्सिबल फीचर्स भी दिया गया है। चलिए जल्दी से डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से, तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, आप देख ही सकते हैं। वीगन लेदर बैग के साथ आता है, वैसे फ्रेम भी मेटल का बना हुआ है। ओनली 7.8 mm की थिकनेस एंड 180 ग्राम वेट है। अच्छी बात यह है कि IP68 की रेटिंग दी गई है और इतना ही नहीं मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है ये फोन। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड रहेगा। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है डॉल्बी एटमॉस वाला एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। इस फोन में आप 2 SIM लगा पाएंगे लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन हेलो UI। फ्यूचर में 2+3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 68 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा, वैसे 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट अवेलेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.7 इंचेस की 1.5K 10-bit वाला POLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 1600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा, कर्व पैनल है तो चिन और बेजल्स भी नहीं है, बाकी 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है, स्टीरियो स्पीकर भी है, सो कंटेंट वॉचिंग के लिए सही रहेगा। एनीवे बात करें कैमरा के बारे में तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का सेंसर है जो कि OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। वहीं सेकंड कैमरा 10 मेगापिक्सल का है जो कि टेलीफोटो लेंस है और हाँ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इस कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, डे लाइट में सही से परफॉर्म कर लेता है लगभग सारे ही सेंसर एंड OIS होने की वजह से लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, बट हाँ कैमरा ऐप के अंदर थोड़े से बग्स जरूर है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला 5G चिपसेट। इसका अंतुतु स्कोर लगभग 7 लाख के आसपास आता है, साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLPDDR4X वाला रैम है, तो डे टू डे यूजेस में और नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा, बाकी कैजुअल और मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई 6E आता है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है, ऑल्सो NFC भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8256 के लिए 27,000 रुपीज है और अभी आपको 2,000 से 2,500 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सो विद ऑफर अंडर 25K ले सकते हैं इस फोन को एंड इस प्राइस पॉइंट पर अच्छा पैकेज है, स्पेशली अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका बिल्ड वगैरह काफी सॉलिड हो तो ले सकते हो। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन ब्लॉगिंग वगैरह के लिए काफी अच्छा रहेगा, वैसे ये भी एक ऑलराउंडर पैकेज है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Infinix Zero 40
जस्ट लॉन्च ही हुआ है ये फोन, एंड फिलहाल ये फोन भी आपको अंडर 25K मिल जाएगा। बाकी चलिए जल्दी से डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, लुक वाइज बहुत ही प्रीमियम है, ऑल्दो कम्प्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 7.9 mm की थिकनेस एंड 195 ग्राम वेट है, एंड IP54 की रेटिंग भी दी गई है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जो कि JBL ट्यूनिंग के साथ आता है, एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। इस फोन में आप 2 5G SIM लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन XOX 14.5। फ्यूचर में 2+3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट दिया जाएगा। ऑल्सो कस्टम डायलर के साथ आता है ये फोन, मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 45W फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको, और हाँ 20W वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 inches की फुल HD+10 bit वाला AMOLED डिस्प्ले जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, एंड 1300 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा, चिन और बेजल्स ना के बराबर है तो मल्टीमीडिया के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट तो है ही। कैमरा की बात करोगे तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 MP का है, और ये सैमसंग का सेंसर है जो कि OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 50 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 50 MP की सेल्फी है, इस कैमरे से भी 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा वाइज अच्छा रहने वाला है ये फोन, मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड दोनों ही सही से परफॉर्म कर लेता है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि रियर एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ब्लॉगिंग वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। खैर परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 8200 वाला अल्टीमेट 5G चिपसेट। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा चिपसेट है। इसका जो अंतुतु स्कोर है लगभग 10 लाख के आसपास आता है। साथ में ही UFS 3.1 वाला स्टोरेज एंड LPDDR5X वाला रैम है, तो नॉर्मल यूज में और डे टू डे टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। काफी कैपेबल एंड पावरफुल चिपसेट है, एंड अच्छी खासी गेमिंग भी करा देगा ये फोन आपको। कनेक्टिविटी के लिए 14 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6E आता है, एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो NFC एंड आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो 8256 के लिए 28,000 रुपए है, और अभी आपको 3 से 4,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑफर के साथ ये फोन भी आपको 25,000 के नीचे ही मिल जाएगा, एंड इस प्राइस पॉइंट पर अच्छा रहेगा, स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए अच्छा फोन है ये। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, अब ये भी एक ऑलराउंडर एंड वेल बैलेंस्ड फोन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है OnePlus Nord 4। फिलहाल ये फोन भी आपको 25,000 के नीचे ही मिल जाएगा, एंड इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो लुक वाइज थोड़ा सा यूनिक रहेगा ये फोन, मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है ये फोन, मतलब कंप्लीट मेटल बिल्ड पर बना हुआ है ये फोन। हालांकि ये वाला पार्ट ग्लास से बना हुआ है। 8 mm की थिकनेस एंड 200 ग्राम वेट है, एंड IP65 की रेटिंग भी मिल जाती है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा जिसकी आउटपुट काफी अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक नहीं है। इस फोन में आप 2 5G SIM लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन OxygenOS 14.1, एंड फ्यूचर में 4+6 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। वैसे प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 100W फास्ट चार्जिंग को, तो काफी तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा, एंड नॉर्मल यूज में एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप भी दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.74 inches की 1.5K 10 bit वाला फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, एंड 2150 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा, फ्लैट डिस्प्ले है, एंड बेजल्स वगैरह बहुत ही पतले हैं। कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है जो कि OIS सपोर्ट के साथ भी आता है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है।
रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इस कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा या फिर डिसेंट टाइप का कह सकते हो। मेन कैमरा अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, वैसे टेलीफोटो लेंस देना चाहिए था। खैर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस पार्ट अच्छा रहेगा। जी हाँ, इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 वाला 5G चिपसेट, 30,000 के नीचे काफी पावरफुल चिपसेट है ये। 13 लाख से ऊपर अंतुतु स्कोर आता है, साथ में UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप, NLPDDR5X वाला रैम है। तो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, काफी कैपेबल चिपसेट है, इवन आप हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 13 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.4 वर्जन का सपोर्ट है, साथ में ही NFC एंड आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8128 के लिए 30,000 रुपए है एंड अभी आपको 2,000 रुपए का कूपन मिल जाएगा Amazon के ऊपर। इसके साथ ही 2,500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया गया है, तो ऑफर के साथ 25 से 26,000 के बीच में ये फोन भी आपको मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ले सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। दोस्तों नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फिलहाल काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओनर 200 के बारे में। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 35,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी आपको बिना किसी डिस्काउंट के 25,000 के नीचे मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर ये भी एक सॉलिड ऑप्शन है। चलिए जल्दी से डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम रहने वाला ये फोन, ग्लास बैक के साथ आता है, सिर्फ 7.7 mm की थिकनेस है, मतलब काफी पतला फोन है एंड 187 ग्राम वेट है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जिसकी आउटपुट काफी अच्छी है। हाँ, ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन मैजिक OS 8। फ्यूचर में 2+3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। खैर आप जानते हैं कुछ मेन फीचर्स, तो 5200 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 100W फास्ट चार्जिंग को, तो काफी तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा एंड नॉर्मल यूज में एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप भी दे देगा ये फोन। ध्यान रहे बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.7 इंचेस की 1.5K 10 bit वाला OLED डिस्प्ले जो की 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 4000 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा, क्वाड कर्व डिस्प्ले है, मतलब चारों ही साइड से थोड़ा सा कर्व है ये फोन, जिसके कारण दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। कंटेंट वॉचिंग के लिए तो है ही अच्छा है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 3 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है और ये OIS सपोर्ट के साथ आता है और सेकंड कैमरा भी 50 MP का है जो कि टेलीफोटो लेंस है और ये भी OIS सपोर्ट के साथ आता है। साथ में 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ भी 50 MP की सेल्फी है एंड इस कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहने वाला है, चाहे वो डे लाइट हो या फिर लो लाइट, लगभग हर सिनेरियो में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है सारी सेंसर। कैमरा के लिए भी चेकआउट किया जा सकता है इस फोन को। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला 5G चिपसेट, इसका अंतुतु स्कोर 8 लाख से ऊपर आता है, साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है, तो परफॉर्मेंस वाइज डिसेंट टाइप का रहेगा, डे टू डे टास्क को इजीली हैंडल कर लेगा ये चिपसेट, बाकी मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गेमिंग फोन नहीं है ये। कनेक्टिविटी की बात करें तो 7 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट है, ऑल्सो NFC एंड आयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8256 के लिए 25,000 रुपए है एंड इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, फुल्ली रिकमेंडेड रहेगा। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये एक फ्लेक्सिप किलर स्मार्टफोन है, ऑफकोर्स ये भी कंप्लीट पैकेज है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Realme GT 60 5G। राइट नाउ ये फोन भी आपको 25,000 के आसपास मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहने वाला है, मिरर ग्लास डिजाइन के साथ आता है, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, 8.7 mm की थिकनेस एंड 191 ग्राम वेट है एंड IP65 की रेटिंग भी दी गई है, तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, डॉल्बी एटमॉस वाला एंड स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है और हाँ, ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। इस फोन में आप 2 सिम लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन Realme UI 5.0। फ्यूचर में 3+4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। ऑल्सो प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके साइलेंटली कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।
अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 120 वाट फास्ट चार्जिंग को, तो बहुत ही तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा एंड नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की 1.5K 10 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले और ये एक LTO पैनल है जो कि 120 हर्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड अप टू 6000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ऑल्सो विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्लेक्सिप टाइप का डिस्प्ले ऑफर किया गया है एंड दुनिया का सबसे ब्राइट डिस्प्ले वाला फोन है ये। बाकी डॉल्बी विजन और HDR 10 प्लस का सपोर्ट तो है ही, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। खैर बात करें कैमरा के बारे में तो बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का सेंसर है जो कि OIS सपोर्ट के साथ भी आता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इस कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का या फिर अच्छा कह सकते हो आप, यूं कह सकते हैं कैमरा परफॉर्मेंस बैलेंस टाइप का रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक फ्लैगशिप टाइप का चिपसेट है, इसका जो अंतुतु स्कोर है वो 1.5 मिलियन के आसपास आता है। साथ में ही UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप NLPDDR5X वाला रैम है, तो D2D टास्क में और हैवी यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। काफी पावरफुल चिपसेट है ये, आराम से हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं लॉन्ग सेशन तक। वैसे भी ये फोन गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो NFC एंड आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो फिलहाल 8128 के लिए लगभग 30,000 रुपए है एंड राइट नाउ 3,000 रुपए का कूपन अवेलेबल है Amazon के ऊपर और 2 से 2,500 का बैंक डिस्काउंट भी है। इफेक्टिवली 25,000 के नीचे मिल जाएगा ये फोन आपको एंड इस प्राइस पॉइंट पर हाईली रिकमेंडेड रहेगा ये फोन, ऑलमोस्ट ट्रू ऑलराउंडर पैकेज कह सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 7 बेस्ट एंड अल्टीमेट स्मार्टफोन जिसे आप 25,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। जो भी इस रेंज में सबसे अच्छे फोन थे मैंने आपको बता दिया है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टिल कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।